तो कल ही हम लोगों ने आपको बताया था कि जनता दल यूनाइटेड के संयोजक आए हुए हैं बोकारो में, और उन्होंने कल ही बताया था कि बोकारो जिले में कप्तान की घोषणा करेंगे। कल दिन भर माथापच्ची करने के बाद और तमाम बोकारो जिले के कार्यकर्ताओं को बुलाकर एक मत करने के बाद उन्होंने अभी तुरंत सर्किट हाउस में घोषणा किया है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष के रूप में प्रवीण कुमार को जिला अध्यक्ष बनाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए प्रवीण जी भी मौजूद है। प्रवीण जी, बहुत सालों से मैं देख रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड में आप परिश्रम किए जा रहे हैं, पार्टी ने आज आपको आपके परिश्रम का फल दिया है, कैसा महसूस हो रहा है पहले ये जरूर जाने। बहुत बोकारो को, मतलब बोकारो जनता दल को बहुत राहत महसूस हो रहा है। हम लोग पुराने कार्यकर्ता से युवा अध्यक्ष का सफ़र करते हुए आज जिला अध्यक्ष का सफ़र तय कर रहा हूं। मुझे मेरे कंधों पर हमारे प्रदेश के संयोजक श्री शैलेंद्र महतो जी ने जिला अध्यक्ष का भार दिया है, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो युवा हमारे साथ चले हैं और युवाओं के साथ, हमने युवा के साथ मंथन कर और अपना ये भार हमने लिया है, युवाओं को सहयोग मिलेगा और हम लोग बोकारो को जनता दलमय करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग मीटिंग में गए थे पटना, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जोर दिया था युवाओं पर जोड़ने का, पुराने वरिष्ठ जो साथी हैं उनका मार्गदर्शन लेकर युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ने का काम करने का काम किया है। और युवा का एक प्रशांत किशोर जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका मार्गदर्शन हम लोग को मिलेगा युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए। वो हमको लगता है इधर अगले मंथ मार्च में यहाँ पर आएंगे और युवा को कुछ। अच्छा, बोकारो जिले की अगर बात कर लो तो आपने जनता दल यूनाइटेड की राजनीति उस समय से की है जब कुनवा बहुत ही कमजोर था, कुनवा को बनते भी देखा, एक ऐसा समय भी आया जहां बोकारो विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव भी लड़ा, सेकेंड स्थान पर रहे, एक नहीं दो दो बार रहे, तो आपने भरे पूरे कुनवे को भी देखा, टूटते बिखरते हुए जनता दल यूनाइटेड को भी देखा, बागी प्रत्याशियों को भी देखा, हर उस दुख और सुख को आपने बड़ी नज़दीक से बोकारो जिले में देखा है। अभी जो स्थिति है वर्तमान में वो जनता दल यूनाइटेड की उतनी ठीक नहीं है जितना पहले हुआ करती थी, तो कितना कांटो भरा ताज आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपके कंधों पर देके चले गए। ऐसी बात है नहीं, अभी जो लगातार मतलब यहाँ पर जो संगठन था, जो जिला अध्यक्ष जो बनते गए बिगड़ते गए, और हम लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पर लाने की कोशिश, हमारे जो पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उनका काम यहाँ पर ऐसा लगा कि कभी दो दो तीन तीन जिलाध्यक्ष बना दे रहे थे और वो मन से काम नहीं कर रहे थे। जिलाध्यक्ष को भरपूर मतलब ये उनको देना चाहिए, भार देना चाहिए तो देना चाहिए, लेकिन वो कभी इधर कभी उधर जिलाध्यक्ष को कभी सम्मान नहीं मिला, इस कारण यह कुनवा बिखरते गया। बोकारो में जनता दल बहुत मजबूत है, लोग भी मजबूत हैं। ये जो गुटबाजी थी और अभी भी बहुत बड़ी गुटबाजी है यहाँ, तो इस गुटबाजी को कैसे तोड़ेंगे आप? गुटबाजी है नहीं, मतलब गुटबाजी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा था, कैसे किया जा रहा था उसको हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ जो कुनवा है बोकारो में जनता दल का कुनवा बहुत मजबूत है। आपने देखा होगा 5-6 महीना पहले हम लोगों ने नीतीश जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम लिया और कितना सफलतम रहा। लोग हैं यहाँ पर जनता दल के लोग हैं, लेकिन हम लोग का जो प्रयास थोड़ा कमता गया, लोगों के बीच जाना आना जो कमता गया, इस कारण लग रहा था कि कमज़ोर है। कमज़ोर जनता दल यहाँ है नहीं, बहुत मजबूत है, मजबूत साथी लोग हैं। और यहाँ पर अब जो है जो प्रदेश अध्यक्ष ने जो संयोजक ने जो आज जिला अध्यक्ष बनाया है, तो आप देखेंगे दिखने लगेगा जनता दल। तो सुना आपने, ये नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष थे प्रवीण कुमार, जिन्होंने कहा कि अब दिखने लगेगा बोकारो ज़िले में जनता दल यू, क्योंकि जनता दल यू के तमाम लोग बोकारो ज़िले में मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा रुक सा गया था कुनवा क्योंकि गुटबाजी चरम सीमा पे थी, लेकिन आने वाले समय में ये गुटबाजी कम होगी ऐसा कहना है जिला अध्यक्ष का। कैमरामैन देवेंद्र के साथ GP हिमांशु, अंतर्कथा न्यूज़, सर्किट हाउस, बोकारो।